डिटेल में केमिकल कंपोनेंट्स को पढ़ना पड़ता है, तब जाकर हमें पता चलता है कि वायरसेस कौन सा है और वायरॉइड्स कौन सा है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स लिखेंगे वायरॉइड्स के बारे में। वायरॉइड्स के बारे में लिखो टियोडायन डिस्कवर्ड देम टियोडायन डिस्कवर्ड दीज ऑर्गेन दीज टियोडायन डिस्कवर्ड दीज इन्फेक्शियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इन्फेक्शन फैलाते हैं, ये बीमारी फैलाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, तो टियोडायना साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने डिस्कवर किया था वायरॉइड्स को। ठीक है, वायरॉइड्स को पहली बार डिस्कवर किया था टियोडायनर ने। ओके, दीज आर स्मॉलर देन वायरसेस। वायरॉइड्स जो होते हैं स्मॉलर होते हैं वायरसेस से। तो अगला पॉइंट लिखो स्मॉलर देन वायरसेस इन साइज। वायरॉइड्स क्या होता है? वायरसेस से छोटे होते हैं साइज में। ठीक है, वायरॉइड्स जो होते हैं वायरसेस की छोटे फॉर्म होते हैं, वायरॉइड्स बोला जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो दे हैव RNA of very low molecular weight. Important point. इससे बहुत बार questions आया है। ये जो viroids होते हैं इनका RNA, एक तो इनके पास हमेशा RNA ही होता है, इनके पास DNA कभी नहीं होता, इनके पास हमेशा RNA ही होता है। और इनका जो आरएनए होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। मॉलिक्यूलर वेट समझ रहे हो, केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट हुआ है? यस मैम। मॉलिक्यूलर वेट समझ रहे हो ना, मॉलिक्यूल का जो वेट होता है एवोगैड्रोस नंबर के हेल्प से जो फाइंड करते हैं, है ना? यस मैम। तो इनका जो आरएनए होता है वो बहुत हल्का होता है, उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। और इसमें डीएनए नहीं होता है, इसमें डीएनए नहीं होता है। ठीक है, डीएनए नहीं होता है, यहाँ पे डीएनए एब्सेंट होता है। मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम किसका होता है? आरएनए का बहुत कम होता है। ठीक है, डीएनए नहीं होता है, डीएनए नहीं होता है, साथ में दे डू नॉट हैव अ प्रोटीन कोट। अब वायरस में हमने देखा था कि वायरस में प्रोटीन कोट प्रेजेंट था, यहाँ पर कोई प्रोटीन कोट नहीं होता। दे डू नॉट हैव अ प्रोटीन कोट, मतलब आउटर लेयर जो है ना, जो वायरस में हम लोग देखे थे प्रोटीन कोट होता था, अंदर में डीएनए और आरएनए होता था, बाहर की तरफ प्रोटीन कोट होता था, यहाँ पे कोई प्रोटीन कोट नहीं होता। ठीक है, अब इनसे एक बहुत फेमस डिजीज कॉज होता है। द नेम ऑफ द डिजीज इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये डिजीज कौन कॉज करता है? वायरॉइड्स कॉज करता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स लिख लो फिर आगे बताते हैं। हो गया? यस मैम। ओके, सॉरी। अब अपने राइट अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखो, स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देखो, एक पोटैटो नजर आ रहा है यहाँ पे। पोटैटोज नजर आ रहे हैं, कुछ चार पोटैटोज नजर आ रहे हैं। यस मैम। ये पोटैटो का साइज देखो कैसा हो गया है। स्पिंडल क्या होता है? स्पिंडल ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है, स्पिंडल। ठीक है,
कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो हो ना टेढ़ा मेढ़ा सा, इलोंगेटेड टेढ़ा मेढ़ा सा जो स्ट्रक्चर हो उसको हम स्पिंडल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो पोटेटोज जो है, नॉर्मल पोटेटो कैसा होता है, नॉर्मल पोटेटो या तो प्रॉपर ओवल शेप का होगा या फिर प्रॉपर गोल होगा, है ना। गोल प्रॉपरली गोल तो नहीं होता बट ओवल होता है, मोर और लेस ओवल होता है ना। पर यहाँ पे देखो पोटेटोज जो है उनका शेप चेंज हो गया है और पोटेटो का टिप जो है वो कर्व नहीं रह करके पॉइंटेड हो गया। ऐसे शेप को हम लोग बोलते हैं स्पिंडल शेप, एंड दिस डिजीज इज कॉल्ड पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इज दैट ओके, समझ में आया? दिस इज ऑल यू हैड टू नो अबाउट वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के लिए इतना ही जानना है। पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है, इनके अंदर डीएनए नहीं होता है, डीएनए के जगह आरएनए होता है और ये बहुत छोटे साइज के होते हैं। तो याद रखो कि छोटे साइज के होते हैं, वायरसेस से छोटे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा। इनको डिस्कवर किसने किया? टीओ डायनर ने। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इनके पास प्रोटीन कोट नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको पांच पॉइंट याद रखना है। डिस्कवरर का नाम टीओ डायनर, इनके पास प्रोटीन कोट नहीं होता, ये वायरसेस से छोटे होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है एंड दे कॉज अ डिजीज इन पोटेटोज व्हिच इज नोन एज पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, ये वायरॉइड्स के लिए पांच पॉइंट था। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्राइटेरिया। ओके, आगे हम लोगों को पढ़ना है प्रायोन्स के बारे में। प्रायोन्स ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्रायोन्स भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वायरसेस के बाद वायरॉइड्स के बाद हेडिंग लगाओ प्रायोन्स, वायरसेस के बाद हेडिंग लगाओ प्रायोन्स। पहला पॉइंट लिखो, they are also known as slow virus. They are also known as slow viruses. Prions को हम लोग slow virus भी बोलते हैं. They are also known as slow viruses. These are the smallest प्रोटीनेशियस, जो भी चीज प्रोटीन का बना हो उसको हम लोग प्रोटीनेशियस बोल सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इंफेक्शियस एजेंट। प्रोटीनेशियस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रोटीन का बना है। इंफेक्शियस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इंफेक्शन फैलाता है, बीमारी कॉज करता है। ठीक है, तो प्रोटीन्स आर इंफेक्शियस एंड द स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस एजेंट। ठीक है, प्रोटीन का बना होता है सबसे छोटा, प्रोटीन का बना हुआ पार्टिकल जो कि किसी एक इंसान से दूसरे इंसान में डिजीज कॉज कर सकता हो, एक से दूसरे जगह डिजीज ट्रांसफर कर सकता हो, दैट इज योर प्रायोन्स। अब वायरॉइड्स और प्रायोन्स में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो प्रायोन्स में प्रोटीन होता है, पी फॉर प्रायोन्स, पी फॉर प्रोटीन, तो भी प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। प्रायोन से रिलेटेड हम लोगों को कुछ डिजीज याद रखना पड़ता है। ठीक है, कुछ डिजीज है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है थोड़ा, और उनको याद रखना पड़ता है कि कौन कौन से डिजीज है जो कि प्रायोन्स कॉज करते हैं। तो डिजीज में पहला लिखो कुरु डिजीज इन ह्यूमन। कुरु डिजीज के बारे में लिखो लाफिंग डेथ।
पुरु डिजीज क्या होता है? तो पुरु डिजीज कॉजेज लाफिंग डेथ. सेकेंड लिखो, इसके स्पेलिंग पे ध्यान देना थोड़ा, क्रूट्स फेल्ट, क्रूट्स फेल्ट जेकब, क्रूट्स फेल्ट जेकब डिजीज. हम कैपिटल्स में लिख देते हैं ताकि स्पेलिंग देख सको. क्रूट्स फेल्ट जेकब डिजीज, ठीक है. ये कहाँ पे होता है? एनिमल्स में होता है और ह्यूमंस में होता है. सारे डिजीजेस को हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले ले एनिमल्स एंड ह्यूमंस में. कुरु डिजीज कहाँ पे होता है? कुरु डिजीज थर्ड लिखो स्क्रेपी डिजीज. स्क्रेपी डिजीज कहां पे होता है? इन शीप एंड गोट्स. स्क्रेपी डिजीज. और फोर्थ लिखो, मैड काउ डिजीज का एक फेमस नाम है जो कि लिखो, बोवाइन पॉन्जी फॉर्म. Bovine spongiform encephalopathy. Bovine spongiform encephalopathy. ये कहां पे cause होता है? In adult cattle and human. ये लिख लो सारे डिजीजेस के बारे में, फिर हम समझाते हैं. हो गया? यस मैम. यस मैम. डन. चलो लेट्स लुक एट द डिजीजेस नाउ. पहला है, ये चार डिजीज जो है ये प्रायोन्स कॉज करता है, ठीक है. चार डिजीज ये जो है ये प्रायोन्स कॉज करता है. पहला है हमारे पास कुरु डिजीज, ठीक है. पहला है हमारे पास कुरु डिजीज. कुरु डिजीज इन फोर ट्राइब ऑफ न्यू गिनी. अब क्या होता है, कुरु डिजीज क्या होता है? कुरु डिजीज इज नोन एज लाफिंग डेथ. कुरु डिजीज में जो प्रायोन्स होता है, जो ये इंफेक्शियस एजेंट्स है, स्लो वायरसेस, ये इनको स्लो वायरसेस बोलते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी में धीरे धीरे काम करते हैं, ठीक है. ये हमारे बॉडी में बहुत धीरे धीरे काम करते हैं. अब इसमें क्या होता है, कुरु डिजीज में द पर्सन गेट्स मैड, ठीक है. जो इंसान होता है वो पागल हो जाता है
और वो इस हद तक पागल हो जाता है कि उसके अंदर टेंडेंसी आ जाता है दूसरे इंसान को मार कर खाने का. ठीक है, सो देर आर मेनी वायलेंट पिक्चर्स ऑन द इंटरनेट. हम यहाँ पे सिर्फ जो थोड़े हमको सोबर लगे पिक्चर्स हम उतना ही अपलोड किए हैं, क्योंकि जनरली द पिक्चर्स आर वेरी वायलेंट. तो यहाँ पे क्या होता है, एक कुछ वहां के कुछ बच्चों में या फिर वहां के कुछ लोगों में ये पाया गया कि उनमें टेंडेंसी टू ईट अदर पीपल, टू ईट किल एंड ईट अदर पीपल इंक्रीज. ओके, सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ कुरु डिजीज हियर. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, कुछ अर्जेंट काम है, सो आई विल जस्ट डू दैट एंड कम बैक. ओके, तो तब तक जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई विल जस्ट बी बैक इन 2 मिनट्स. ठीक है, ठीक है. द पर्सन हूएवर इज अफेक्टेड फ्रॉम दिस प्रायन, हूएवर इज अफेक्टेड, उनके बॉडी में कुछ टाइम के बाद, एक तो ये स्लो वायरस है तो कुछ टाइम लगता है इफेक्ट करने में बॉडी में, तो कुछ टाइम के बाद काफी शिवरिंग होने लगता है, ट्रेम्बलिंग होने लगता है, एंड इवन इफ दे आर वॉकिंग दे विल बी शेकिंग. जो इफेक्टेड पीपल होते हैं, जो डिजीज होते हैं, वो चलते टाइम भी वो शिवर करते रहेंगे, शेक करते रहेंगे, एंड इवेंचुअली दे गेट वेरी मैड, दे गेट वेरी मैड, और ऐसा एक स्टेज आता है व्हेन दे स्टार्ट ईटिंग डेड बॉडीज. ठीक है, तो न्यू गिनी इज नियर न्यूजीलैंड के नीचे आता है, न्यू गिनी आइलैंड उस तरफ में, तो वहां पे न्यूजीलैंड के पास में न्यू गिनी, वहां पे ऐसा हुआ था कि पीपल वर सो बैडली अफेक्टेड कि वहां पे लोग एक दूसरे को ही, एक दूसरे के डेड बॉडीज को खाने लगे, एंड सो मेनी पीपल वर अफेक्टेड एट अ टाइम. ठीक है, एक ही टाइम में बहुत सारे लोग अफेक्टेड थे, और ज्यादातर लोग जो अफेक्टेड थे दे वर आइदर चिल्ड्रेन और विमेन. ठीक है, औरतें और बच्चे ज्यादा इफेक्टेड थे इन दिस डिजीज, कुरु डिजीज. सो कुरु डिजीज वॉज बेसिकली ट्रांसमिटिंग. क्यों ट्रांसमिट हो रहा था? एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो रहा था क्योंकि लोग जो थे उनमें टेंडेंसी आ गई थी डेड बॉडीज खाने की. तो एक किसी इंसान को कुरु डिजीज है एंड ही डाइड, तो अगला जो बाकी लोग थे इफेक्टेड लोग, या फिर जो ठीक भी था, एक इंसान, एक बच्चा जो है वो जाकर के उस डेड बॉडी को खाने लग रहा है, तो उससे वो बीमारी फैलता जा रहा था, पर्सन टू पर्सन ये बीमारी फैलता जा रहा था. बट कुरु डिजीज इज नॉट दैट पॉपुलर नाउ, कुरु डिजीज पुरानी बात हो चुकी है. नेक्स्ट डिजीज दैट वी नीड टू नो इज क्रूट्सफेल्ड-जेकब डिजीज. क्रूट्सफेल्ड-जेकब डिजीज इज अगेन कॉज्ड बाय प्रायोन्स, प्रायोन्स के थ्रू ही होता है, और किसमें होता है क्रूट्सफेल्ड-जेकब डिजीज? दिस अकर्स इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस. ठीक है, एनिमल्स और ह्यूमंस में होता है क्रूट्सफेल्ड-जेकब डिजीज. ओके, क्रूट्सफेल्ड-जेकब डिजीज का यहाँ पे एज सच कोई डायग्राम नहीं है, कोई डायग्राम यहाँ पे क्रूट्सफेल्ड का नहीं है. यू कैन फाइंड दैट ऑन इंटरनेट, अगर देखना चाहो तभी देखना, सम ऑफ द डायग्राम्स आर रियली वेरी वायलेंट, तो इसीलिए. और वेट, यहाँ पर एक डायग्राम है क्रूट्सफेल्ड का. कुछ डायग्राम्स इनके बहुत वायलेंट होते हैं, जहाँ पे सर्जरी के भी डायग्राम्स होते हैं, तो ओनली रिकमेंडेड इफ यू वॉन्ट टू वॉच इट, यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब और गूगल पे देख सकते हो, पर बस वही है कि हिम्मत वाला वीडियोस एंड डायग्राम्स होता है, सो नॉट वेरी सजेस्टेड, नॉट वेरी रिकमेंडेड. चलो यहाँ देखो, क्रूट्सफेल्ड डिजीज में क्या होता है, किसी इंसान का जो कि इफेक्टेड है उसका ब्रेन श्रिंक होने लग जाता है. यहाँ पे दो डायग्राम हम अपलोड किए हैं, फॉरगॉट दैट. तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई इंसान जो है जिसको कि ये बीमारी है,
उसका जो ब्रेन है वो श्रिंक करने लग जाता है, ब्रेन जो है वो सिकुड़ने लग जाता है, ब्रेन में जितने भी टिश्यूज है ना, जितने भी सेल्स हैं वो सिकुड़ने लग जाते हैं ब्रेन में. देयर इज अ डायग्राम हियर जो कि ब्रेन का एक्सरे है. एक में डायग्राम ए में देखो द ब्रेन इज प्रॉपरली विजिबल, ब्रेन जो है वो प्रॉपरली विजिबल है, बीच में कहीं भी छेद वेद नहीं है, इट इज प्रॉपरली विजिबल राइट. इन डायग्राम ए द ब्रेन इज प्रॉपरली विजिबल, वो जो है वो पूरी तरह से विजिबल है, ज्यादा कोई गैप्स नहीं है. पर कुछ कुछ एरियाज में, जैसे कि यहां पर एक एरिया मार्क किया हुआ है एरो से, ठीक है, कुछ एरियाज में जो आपका ब्रेन, किसी इंसान का जो ब्रेन है वो श्रिंक होने लग जाता है, श्रिंक होने लग जाता है, सूजन होने लग जाता है, श्रिंक होने लग जाता है ब्रेन में, सिकुड़ने लग जाता है. तो क्या होता है कि ब्रेन जो है वो चारों तरफ से सिकुड़ने लग जाता है. देख रहे हो डायग्राम ए से डायग्राम बी को कंपेयर करो, डायग्राम ए में जो ब्रेन है और डायग्राम बी में जो ब्रेन है, ब्रेन में आपको काफी स्पेसेस नजर आएगा डायग्राम बी में. डायग्राम बी में देखो यहाँ पे स्पेसेस नजर आ रहा है जो कि स्पेसेस पहले नहीं था, इधर भी स्पेसेस नजर आ रहा है जो कि स्पेस पहले कम था अब बढ़ गया है, ये स्पेस भी पहले कम था अब ज्यादा हो गया है, ठीक है, यहाँ पे भी पहले कम स्पेसेस था अब यहाँ पे ज्यादा स्पेस हो गया है. ऊपर से देखने में ब्रेन कुछ ऐसा नजर आता है, यहाँ पे आपके आईज है, यहाँ पे आई सॉकेट होता है, ठीक है, ऊपर से देखने में ब्रेन ऐसा नजर आता है. तो ब्रेन जो है वो सिकुड़ने लग जाता है जिसकी वजह से जगह जगह पे स्पेस क्रिएट होने लगता है. समझ रहे हो इस बात को? यस मैम. मैम तो डिजीज मैम इंटरनली होता है कि एक्सटर्नली भी दिखाई देता है मैम? इंटरनली होता है. तो मैं इसका मैम कोई क्योर भी नहीं होगा मैम, पता ही नहीं चलता होगा? नहीं, पता चल जाता है क्योंकि अगर बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है किसी को, या फिर अगर जनरली ये सारे जो डिजीजेस होते हैं ना, इनमें लोग भूलने लग जाते हैं, भूलने लग जाते हैं, ब्रेन जो है वो श्रिंक करने लगता है, तो इंसान भूलने लग जाता है अचानक से. अचानक से घर से निकला और उसको पता नहीं कि उसको कहाँ जाना है, अपने रिश्तेदारों को भूलने लग जाता है. तो ऑब्वियसली जो घर वाले होंगे डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो उसमें डिटेक्ट हो जाता है. एक्सरे, सबसे पहले ब्रेन का एक्सरे वगैरह होगा जिसमें डिटेक्ट हो जाता है, ईईजी भी होता है, उसमें भी डिटेक्ट हो जाता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है, पर इसका कोई क्योर नहीं है. ठीक है, अगर डिटेक्ट हो भी जाए तो भी इसका कोई क्योर नहीं होता है. ठीक है, समझ रहे हो ना? ओके, तो एक और डायग्राम है. हाँ, यही दो डायग्राम है यहाँ पे. दिस इज योर क्रूट्सफेल्ड जेकब डिजीज. ओके, दीज आर द ओनली टू डायग्राम्स आई हैव. ओके, नेक्स्ट इज बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी. इसका बहुत सारा डायग्राम्स इंटरनेट पे अवेलेबल है. इसमें क्या होता है, इट इज अ डिजीज इन विच द काउ वॉज अफेक्टेड. इनिशियली इसमें बस काउ अफेक्टेड थी, ठीक है, गाय में होता है ये. और गाय में क्या होता है कि गाय में ये जो डिजीज होता है इसके वजह से द काउ गोज मैड. काउ जो है वो पागल हो जाती है, ठीक है, मतलब उसके पास जाओगे तो वो मारने की कोशिश करेगी. इसमें जो गाय पैदा हो, गाय के जो बच्चे पैदा होते हैं दे आर ऑफ शॉर्ट हाइट और उनको भी ये डिजीज पास ऑन हो जाता है. तो ये जो डिजीज है दैट इज मेकिंग द काउ गो मैड, दैट इज मेकिंग द काउ गो मैड. अब क्या होता है, यूरोपियन कंट्रीज में बीफ खाने का प्रचलन है, राइट, यूरोपियन कंट्रीज में बीफ खाया जाता है ना, इन डिफरेंट फॉर्म्स. यूरोपियन कंट्रीज क्या, अमेरिका वगैरह में भी बीफ खाने का सिस्टम है. तो वहां पे क्या होता है, काउ के थ्रू ये डिजीज जो है ये ह्यूमंस में ट्रांसफर होने लगा. ठीक है, इनिशियली ये डिजीज सिर्फ काउ में होता था. इनिशियली इट वॉज नोन एज मैड काउ डिजीज क्योंकि ये सिर्फ गाय में होता था. पर अब इंसान जो है वो सब कुछ खा लेते हैं, तो दे स्टार्टेड ईटिंग बीफ एंड फ्रॉम द काउ दिस वायरस, दिस प्रायोन, दिस प्रायोन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मीट ऑफ द बीफ टू द ह्यूमन. ठीक है, तो इंसान में भी ये डिजीज पाया जाने लगा. और यूएस में एक टाइम ऐसा आया
जब इट वॉज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, इट वॉज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कि कहीं बाहर से, यूएस में मोस्टली जो बीफ होता है दैट इज इम्पोर्टेड, बाहर से मंगवाया जाता है. इट वॉज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कि बीफ जो है वो कोई कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि यूएस में अचानक से पीपल वर गोइंग क्रेजी और वो लोग अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे, एंड द रीजन वॉज बीफ. ओके, द रीजन वॉज ईटिंग काउ. तो मैड काउ डिजीज क्या होता है, इट इज अ स्लोली प्रोग्रेसिव, मतलब धीरे धीरे बढ़ता है. डीजेनरेटिव मतलब आपके न्यूरल टिश्यू को डैमेज कर देता है ये. फेटल डिजीज, फेटल का मतलब होता है डेथ. इसका कोई क्योर नहीं होता है. एक बार किसी को बोवाइन इंसेफेलोपैथी हो गया ना, तो इसका कोई क्योर नहीं होता है. अल्टीमेटली डेथ इज द ओनली डेस्टिनी हियर. तो इसमें न्यूरल, इनिशियली सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ एडल्ट कैटल इज अफेक्टेड, मोस्टली एडल्ट कैटल में ही देखने को मिलता है. और ह्यूमंस में तब फैल रहा था जब देवर ईटिंग बीफ दैट वॉज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, तब ये फैल रहा था. पर एक बार जब डिटेक्ट हो गया कि इतने सारे लोग अचानक से पागल क्यों हो रहे हैं, उनके अंदर साइकेट्रिक सिम्टम्स क्यों नजर आ रहा है, तो रिसर्च किया गया तो पता चला कि दैट इज बिकॉज ऑफ ईटिंग इन्फेक्टेड काउ. इन्फेक्टेड काउ, ठीक है. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ अप टू सेवरल इयर्स. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान 3 से 8 साल पहले कुछ खाया हो और उसका इफेक्ट जो है उसको आज देखने को मिल रहा हो. वायरल डिजीजेस ऐसे ही होते हैं, ठीक है. वायरल डिजीजेस ऐसे ही होते हैं कि तुमको याद भी जब ना रहे कि अच्छा तुम ऐसा कुछ खाए भी हो, तब तुम पे उसका असर नजर आने लगता है. तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो था दैट वॉज वेरी ह्यूज, और इस दौरान में कोई सिम्टम नजर नहीं आता था. और अचानक से जब इफेक्ट आता था तो इतना बुरा हाल हो जाता था कि बचाना मुश्किल हो जाता था इंसान को. इट इज इनवेरिएबली फेटल, मतलब यहाँ पे डेथ निश्चित है, यहाँ पे डेथ होता है, कोई क्योर नहीं है. देयर इज नो ट्रीटमेंट और क्योर नोन. नो टेस्ट कैन डिटेक्ट प्रायोन्स इन अ लाइव एनिमल. अब एक और चीज है, प्रायोन्स को किसी जिंदा आदमी में कभी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है. प्रायोन्स को किसी जिंदा आदमी में डिटेक्ट, जिंदा एनिमल या जिंदा आदमी में डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है. प्रायोन्स तभी नजर आता है, तभी प्रायोन्स विजिबल होता है जबकि कोई एनिमल का डेथ हो जाए. तो इसीलिए ह्यूमंस जो पागल हो रहे थे, दे वर डाइंग अचानक से, तो उनमें पता नहीं चला कि क्यों हो रहा है डेथ. पर वापस जा करके जब उस बीफ में चेक किया गया, उस बीफ के ऊपर रिसर्च किया गया, तब पता चला कि एक इन्फेक्टेड मटन को खाने से, एक इन्फेक्टेड बीफ को खाने से ये डिजीज कॉज हो रहा है. समझ रहे हो इस बात को मैम? तो जब इतना हाई इंक्यूबेशन पीरियड रहता है तो मैम उस पीरियड में मैम अपना सिम्टम क्यों नहीं शो करता है? यार वायरल डिजीजेस ऐसा होता है, बहुत सारा ऐसा होता है. वायरल लोड जब तक बढ़ता नहीं है ना, तब तक बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि आप पे कोई असर ना शो कर सके, शो नहीं कर पाता है. मतलब प्रायोन्स भी, इट इज अ टाइप ऑफ वायरस, है ना. प्रायोन्स भी जो है वो एक टाइप का वायरस ही है. वायरस से अलग बोलते हैं इसको क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है इनका, पर एक तरह का वायरसेस ही है ये प्रायोन्स जो है. अब वायरस ना तब तक आपके बॉडी में कोई इफेक्ट पैदा नहीं कर पाएगा, या प्रायोन्स तब तक आपके बॉडी में कोई इफेक्ट पैदा नहीं कर पाएगा जब तक आपका वायरल लोड उस मिनिमम लेवल को क्रॉस नहीं करता है, ठीक है. वायरल लोड जो है जब तक एक मिनिमम लेवल को क्रॉस नहीं करता है. तो ये जो प्रायोन्स है, ये बॉडी में एंटर करने के बाद मल्टीप्लाई कर करके जब इनका बड़ा सा झुंड बन जाता है हमारे बॉडी में, तब ये सिम्टम शो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है. वायरस के साथ भी ऐसा ही होता है. कोई भी वायरस हो, जब कुछ वायरसेस हैं जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कोविड वायरस. ऑब्वियसली कोविड वायरस में 3 से 4 दिन में पता चल जाता है, सिम्टम्स आने लगता है. मतलब कोविड वायरस जो है वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है. 3 से 4 दिन में वो इतना बना लेता है अपने आप को, अपने हमारे बॉडी में, कि वो कोई सिम्टम शो कर ले, ठीक है. जबकि कुछ प्रायोन्स वगैरह जो होते हैं वो स्लो रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट इज व्हाई प्रायोन्स आर कॉल्ड
स्लो वायरस, अभी लिखवाए थे ना स्लो वायरस, स्लो वायरस लिखवाए थे ना, ये देखो स्लो वायरसेस, दीज आर स्लो वायरसेस. ओके समझ में आ रहा है? यस मैम. ओके अब यहाँ पे देखो एक डायग्राम है. एक्चुअली हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा ये डायग्राम. ये नॉर्मल ब्रेन है, ये नॉर्मल ब्रेन है, दिस इज योर नॉर्मल ब्रेन, इसको ए मार्क करते हैं. ब्रेन कुछ ऐसा नजर आता है अगर कुरू डिजीज हो तो. कुरू डिजीज में ब्रेन कुछ ऐसा नजर आता है, मतलब देख रहे हो कि ब्रेन के सेल्स जो है वो डेड होने लगे, व्हाइट पैचेस दिख रहा है ना, तो ब्रेन के सेल्स जो है वो मर रहे हैं. दिस इज क्लासिक सीजेडी. सीजेडी इज क्रूएड्स, क्या था ये, हाँ क्रूएट्सफेल्ड जेकब डिजीज, सीजेडी. तो क्रूएट्सफेल्ड जेकब डिजीज में भी यही होता है. सी में देखो यहाँ पे भी जो सेल्स हैं दे आर डाइंग, बीच बीच में स्पेसेस बन रहा है. और स्क्रेपी डिजीज जो होता है उसमें भी यही होता है, मतलब सब में नर्वस टिश्यू का डिजेनरेशन होता है. अच्छा अब एक और चीज जान लो, वैसे तो आगे पढ़ेंगे. नर्व सेल्स हमारे बॉडी के इकलौते ऐसे सेल्स हैं जो कि एक बार मर गए तो दोबारा नहीं बनते हैं. ठीक है, मतलब कोई एक नर्व सेल है, मान लो इसका डेथ हो गया तो नया सेल नहीं बनता है उसके जगह पे. जैसे मेरे स्किन का सेल है ना, कि हम ऐसे रब किए तो देखोगे बहुत बार कुछ ग्रेश कलर का कुछ निकल कर आता है स्किन से, तो दैट इज योर डेड स्किन है ना. स्क्रब भी करते हैं डेड स्किन निकालने के लिए, तो स्किन का सेल जो है वो डेली नया नया बनता है. पर हमारे नर्व सेल एक बार डेड हो गए तो हो गए, नर्व सेल दोबारा से कभी नहीं बनता है. ठीक है, तो अगर नर्व सेल का डेथ होने लग जाए तो इंसान या तो पागल हो जाएगा, भूलने लग जाएगा, एंड इट विल अल्टीमेटली कॉज डेथ. ठीक है, समझ रहे हो मैम? नंबर ऑफ नर्व सेल रिमेन्स कॉन्स्टेंट. हाँ, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. और जब कभी भी डैमेज होता है तो उसके जगह न्यू सेल नहीं आता है. मतलब मेरे मेरे ब्रेन में जितना सेल है आज से 50 साल बाद भी मेरे ब्रेन में उतना ही सेल रहेगा. अगर इस दौरान मेरे सेल, मेरे ब्रेन में कुछ सेल डैमेज हो जाता है तो उसके जगह पे नया सेल नहीं बनेगा. मेरे ब्रेन में सेल कम हो सकता है पर जो आज है उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता है. ठीक है, ओके मैम, समझ रहे हो मैम? नर्व सेल, हाँ बोलो मैम. नर्व सेल ग्रो नहीं करता है? नर्व सेल ग्रो नहीं करता है, नहीं, नर्व सेल ग्रो नहीं करता है. बाकी सारे सेल्स हमारे बॉडी के ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं. नर्व सेल इज द ओनली सेल दैट डज नॉट ग्रो और दैट डज नॉट डिवाइड. ठीक है, यस मैम, इज दैट ओके? किसी को डाउट यहाँ पर? नो मैम. ऑल राइट, चलो. सो वी आर डन विद दिस चैप्टर. इस चैप्टर में एक छोटा सा सेगमेंट और बचता है जो कि है आपका लाइकेंस. लाइकेंस इज द एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी. पर लाइकेंस हम अभी नहीं करेंगे, हम जब प्लांट किंगडम करेंगे हम तब लाइकेंस करेंगे. ठीक है, क्योंकि फंजाई तो समझ चुके हो, एल्गी को भी समझना जरूरी है, उसके बाद फिर लाइकेंस पढ़ेंगे. इज दैट ओके? यस मैम. सभी का लिखना हो गया? Yes, ma'am. चलो, so we'll start a new chapter today. I'm stopping share for a minute. हम लोग आज एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 3 एनिमल किंगडम के बाद में करेंगे हम लोग. ठीक है, कोई दिक्कत? नो मैम. नो मैम, ये चैप्टर 4 है. हाँ, चैप्टर 4 एनिमल किंगडम. चैप्टर 4 स्टार्ट करने के पीछे एक रीजन है. बहुत टाइम से आप लोग प्लांट्स 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 ही पढ़ते आ रहे हो,
और प्लांट से रिलेट करना कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल होता है. एनिमल्स को समझ पाना, एनिमल्स से रिलेट कर पाना फिर भी थोड़ा आसान है. प्लांट से रिलेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है. तो और इसी यही वजह है कि बॉटनी जो है, प्लांट का स्टडी जो है, वो जनरली लोगों को बहुत बोरिंग लगता है. तो इसीलिए हम लोग स्विच करते रहेंगे ताकि बहुत ज्यादा बोरिंग ना हो जाए लेक्चर्स. ठीक है, तो इसीलिए वी विल स्टार्ट विद एनिमल किंगडम. हेडिंग डालो एनिमल किंगडम. The branch of science or the branch of biology that deals with the study of animals is known as, that's a question, answer though. The branch of biology that Ma'am, deals geology. With, phir se bolo. Ma'am, Zoology, haan, correct. To likho yahan par. The branch of science या branch of biology लिख लो. The branch of biology that deals with the study of animals is called zoology. और जो लोग zoology पढ़ते हैं पूरा, they are known as zoologists. You don't need to write that. Zoologist लिखने की जरूरत नहीं. आगे लिखो father of zoology. Aristotle. Yes, good. Aristotle. Correct. Good. Father of zoology is Aristotle. इनको Aristotle मत बोलना, ये बुरा मान जाते हैं. ठीक है, तो Aristotle बोलेंगे. Okay? इन्होंने एक बुक लिखा था जिसमें, ये बहुत पहले के टाइम के हैं. ठीक है, ये बहुत पुराने जमाने के हैं Aristotle. And he was actually the first scientist जिनके दिमाग में एक दिन आया कि चलो हम लोग सारे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांटते हैं. पढ़ाई बहुत मुश्किल हो रही है तो ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में बांट देते हैं, उन ग्रुप्स के हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी. तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनको लगा कि क्लासिफिकेशन जरूरी है. इसीलिए ऑल्दो इनका क्लासिफिकेशन बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, पर क्योंकि इन्होंने पहला अटेम्प्ट लिया क्लासिफिकेशन में, और क्योंकि इनके वजह से हम लोग जान पाए कि क्लासिफिकेशन करके पढ़ाई करना ज्यादा आसान रहता है, इसीलिए हम लोग इनको फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं. इसीलिए अभी भी हम लोग इनको याद करते हैं. एंड ही रोट अ बुक, द नेम ऑफ द बुक इज हिस्टोरिया एनिमेलियम. बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम, द बुक दैट वॉज रिटन बाय एरिस्टोटल. अच्छा, अब इन्होंने एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया था. ठीक है, इन्होंने एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया था. याद है किसी को? यस मैम. क्या मैम? वन ग्रुप विच हैविंग रेड ब्लड एंड अदर्स विच डज नॉट हैव रेड ब्लड. यस, गुड. अब इन्होंने क्या किया, एरिस्टोटल ने क्या किया, और इनका अनसक्सेसफुल होने के पीछे भी सबसे बड़ा रीजन इनका खुद का ही क्लासिफिकेशन रहा. इन्होंने क्या किया, ये किसी भी एनिमल को देखते थे ना, मान लो इनके सामने से एक बिल्ली जा रही है, उस बिल्ली को उठाकर लाते थे, उसको काट कर देखते थे कि उसके अंदर रेड ब्लड है या नहीं. फिर इनको रेड ब्लड मिलता था, उसको लिख लेते थे कॉपी में कि दिस इज एन ऑर्गेनिज्म विच हैज रेड ब्लड. तो एक ग्रुप इन्होंने बनाया
जिसको हम बोलते हैं अनेमा, एक ग्रुप है अनेमा और दूसरा ग्रुप है इनाइमा, ठीक है। एक ग्रुप इन्होंने बनाया अनाइमा और एक है इनाइमा, ओके। अनाइमा में ए मीन्स नो, इनाइमा में, इनाइमा का मतलब होता है हैविंग रेड ब्लड सेल्स, हैविंग रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी हो जिसके पास, और अनाइमा जहां कहीं भी ए हो, ए का मतलब एब्सेंट होता है, तो डज नॉट हैव एनिमल्स विच डज नॉट हैव रेड ब्लड सेल्स, विच डू नॉट हैव एनिमल्स विच डू नॉट हैव रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। फिर ये एक मच्छर को उठाए, उसको काट के देखे, तो उसके अंदर रेड ब्लड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि मॉस्किटो के अंदर जो रेड ब्लड होता है दैट इज एक्चुअली आर ब्लड, वो हमारा खून होता है, दे आर द ब्लड सकर्स, तो मॉस्किटो के अंदर हमारा ब्लड होता है। ओके वेट फॉर अ मिनट, यहां तक लिखो, आई विल बी बैक। ओके डन राइटिंग, यस मैम, ठीक है। तो एक साइड पे लिखो एनिमल्स विच डू नॉट हैव रेड ब्लड सेल्स, और एक साइड पे है एनिमल्स दैट हैव रेड ब्लड सेल्स, जिनमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होता है वी कॉल देम एज इनाइमा, एंड जिनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं प्रेजेंट है उनको बोला गया अनाइमा, एनाइमा, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो ईजी है, यहां तक तो समझ में आ रहा है सब कुछ, है ना। तो एरिस्टोटल डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स, ठीक है, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। अब जितने भी हमारे पास अभी नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स बताएंगे तो समझ नहीं आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर लो। जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम लोग हुए, जैसे हम हैं, ह्यूमंस हैं, जैसे एव्स हैं, एव्स मतलब बर्ड्स हैं, जैसे रेप्टाइल्स हैं और फिशेस हैं, ये सब हायर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, या फिर एम्फीबियंस हैं, ये सब हायर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें आपको रेड ब्लड सेल्स देखने को मिलता है, और जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें आपको रेड ब्लड सेल्स नहीं देखने को मिलता, ठीक है। लोअर ऑर्गेनिजम्स में रेड ब्लड सेल्स नहीं देखने को मिलता। अब जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं इनाइमा, उनको फर्दर दो और ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ठीक है, इसको फर्दर दो और ग्रुप में डिवाइड किया गया, मतलब सब डिवाइड किया गया इसको, ओके। एक है हमारे पास विवी पैरा,
और एक है ओवी पैरा. वीवी पैरा और ओवी पैरा का मतलब पता है किसी को? यस मैम. क्या होता है? मैम वीवी पैरा मींस ऑर्गेनिज्म व्हिच गिव बर्थ टू देयर न्यू यंग वंस एंड ओवी पैरा मींस दे गिव एग्स. यस. तो वीवी पैरा में लिखो गिव बर्थ टू यंग वंस. गिव बर्थ टू यंग वंस. ओवी पैरा में लिखो एग लेइंग एनिमल्स. एग लेइंग एनिमल्स. एग लेइंग एनिमल्स ओवी पैरा में आता है. ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. मैम स्लाइड ऊपर करिए ना थोड़ा. हाँ. रुको रुको रुको. अभी ठीक है? यस मैम. ये एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन था. एरिस्टोटल ने ये क्लासिफिकेशन दिया था. अभी हम लोग किनका क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं? आर.एच. व्हिटेकर का कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम है? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. वेरी गुड. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर. ईयर भी याद है क्या किसी को? कौन से ईयर में दिया था उन्होंने? 1969. यस गुड. 1969. हो जाए यहाँ तक लिखना तो बताना. अभी देखो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि अभी अगर एग्जाम्पल्स लिखवा भी दें आपको तो आप जनरली एनिमल्स को जानते नहीं हो. अभी आपको नहीं पता कि प्रोटिस्टा क्या होता है, आपको नहीं पता कि पाइला क्या होता है, आपको नहीं पता कि टेप वॉर्म क्या होता है, राउंड वॉर्म क्या होता है. तो कोई फायदा नहीं है अभी एग्जाम्पल्स लिखवा के. तो ये सब दोबारा जब सारे फाइलम को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे तब उस टाइम पे हम सारा एग्जाम्पल्स लिखवाएंगे. हो गया शीतल? लिख लिए यहां तक? बताओ बताओ आगे बढ़ेंगे फिर. यस मैम डन. ओके. चलो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों को 12 फाइलम के बारे में पढ़ना है. ठीक है? 12 फाइलम के बारे में पढ़ना है जिसमें से एक फाइलम जो है वो अब एलिमिनेट हो चुका है. 12 फाइलम इनिशियली पहले 12 फाइलम हुआ करता था, उसमें से एक फाइलम अब एलिमिनेट हो गया है. तो 11 ही फाइलम के बारे में, 12 फाइलम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पर उसमें से एक जो है उसको एनिमल किंगडम से हटा दिया गया है. ठीक है? उसको एनिमल किंगडम से हटाकर कहीं और डाल दिया गया. मैम नेम ऑफ फाइलम मैम प्रोटोजोआ. ठीक है? प्रोटोजोआ को हटा करके एनिमल किंगडम से अब हम लोग उसको कहाँ डाल दिए हैं प्रोटोजोआ को? प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा. गुड. ठीक है? तो अब कितना बचा? 12 में से एक चला गया तो 11 फाइलम है. 11. अब फाइलम का प्लूरल होता है फाइला. फाइलम होता है सिंगुलर. ठीक है? फाइलम होता है सिंगुलर. तो 11 फाइलम है तो हम लोग इसको फाइला बोलेंगे, है ना? फाइला बोलेंगे, प्लूरल में फाइला बोलेंगे. 11 फाइला हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में. उन फाइला के नाम यहाँ पे लिखेंगे आप लोग. ठीक है? चलो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट फाइला
पहला फाइला जो कि हुआ करता था पहले, दैट वाज प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ को हटा करके किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया गया है. तो अब जो हमारे पास पहला फाइलम आता है वो है फाइलम प्रोटिस्टा. बार बार हम फाइलम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, हम सिंपली प्रोटिस्टा लिख रहे हैं. पहला फाइलम जो आता है वो है प्रोटिस्टा. सेकेंड फाइलम जो हमारे पास आता है वो है, सेकेंड फाइलम जो हमारे पास आता है दैट इज नोन एज निडेरिया, जिसको पहले सिलेंट्रेटा बोला जाता था. सिलेंट्राटा, ठीक है, सिलेंट्राटा बोला जाता था पहले, अब निडेरिया बोलते हैं. थर्ड फाइलम जो है वो है टीनोफोरा. टीनोफोरा. फोर्थ फाइलम जो है वो है प्लैटीहेलमिंथिस. प्लैटीहेलमिंथिस के बाद हमारे पास आता है नेमाथेलमिंथिस. नेमाथेलमिंथिस का भी नाम अब चेंज हो गया है, अब हम लोग इसको एशिलमिंथिस बोलते हैं. एस्किलमिंथिस बोलते हैं इसको. नेमाथेलमिंथिस को अब हम लोग एस्किलमिंथिस बोलते हैं. नेमाथेलमिंथिस को अब हम लोग एस्किलमिंथिस बोलते हैं. सिलेंट्रेटा को निडेरिया बोलते हैं, ठीक है. एस्किलमिंथिस के बाद है एनेलिडा. एनेलिडा. एनेलिडा के बाद आता है आर्थ्रोपोडा. यस यस गुड. एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा के बाद आता है मोलस्का. मोलस्का के बाद है इकाइनोडर्मेटा. इकाइनोडर्मेटा के बाद है हेमीकॉर्डेटा. हेमीकॉर्डेटा. और हेमीकॉर्डेटा के बाद है फाइलम कॉर्डेटा. ठीक है, ये लिखो सीक्वेंस, और सीक्वेंस यही रखना. ऐसा नहीं कि एस्किलमिंथिस को ऊपर लिखती है. थोड़ा जूम आउट करिए ना. जूम आउट करें. ओके, सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए. इनफैक्ट ये सीक्वेंस याद करना पड़ेगा आपको. मैम, निडेरिया एन से स्टार्ट है. निडेरिया सी से स्टार्ट है, सी साइलेंट है. टीनोफोरा भी सी से स्टार्ट है पर सी साइलेंट है. निडेरिया में सी साइलेंट है और टीनोफोरा का भी सी साइलेंट है. यस मैम. डन. डन. यस मैम. ओके. अच्छा, 11th से पहले कभी ये सब पढ़े हो? फाइलम क्लास. यस मैम. क्लास 9 में पढ़े हो तो थोड़ा बहुत सुना सुना हुआ सा है ना? Yes, ma'am. Okay. बस सुना सुना हुआ ही रहता है वैसे, हमको पता है क्लास 9-10 तक तो, क्योंकि 11th में आपको बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ना है. तो डिटेल्स में पढ़ने से पहले अभी अगर हम बताना स्टार्ट कर दें कि मोलस्का का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, बायरेडियल है, बायलेटरल सिमेट्री है, या फिर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ये सब बताना स्टार्ट कर दें तो आपको समझ में नहीं आएगा, प्लस एक कंफ्यूजन अराइज होगा
कि ये सब क्या है, कि तो हम लोगों को पढ़ना होता है पहले क्लासिफिकेशन का बेसिस, कि किस बेसिस पे हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में इन एनिमल को डिवाइड कर रहे हैं, और ये जो सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनको हम लोगों को समझना होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालो, 11 फाइलम लिख लिए ना? यस मैम। ओके, हेडिंग डालो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब साइंटिस्ट ऐसे हवा में तीर तो नहीं चला रहे थे, वो लोग कुछ ना कुछ सोच समझ के ही तो क्लासिफाई कर रहे थे ना, कि इकाइनोडर्मेटा में अलग ऑर्गेनिजम्स होंगे, आर्थ्रोपोडा में अलग ऑर्गेनिजम्स होंगे। ऐसे तो नहीं कि रैंडमली उठा करके इसको इधर डालो इसको इधर डालो, ऐसे तो नहीं चल रहा था। कुछ ना कुछ क्लासिफिकेशन का बेसिस रहा होगा, है ना। जैसे कि मान लो हम एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, हम एक क्लास बनाते हैं, मेरे पास मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं और हमको उन 50 स्टूडेंट्स को 5 क्लास में डिवाइड करना है। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स को 5 क्लास में डिवाइड करना है, तो मेरे क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होगा? एक तो हो सकता है कि हम उनके टेस्ट का स्कोर देखें, जो टॉप 10 होंगे उनको पहले बैच में डालें, जो टॉप नेक्स्ट 10 होंगे उनको अलग में डालें, फिर नेक्स्ट 10 को अलग में डालें। तो एक हमारा मेरा क्रिटेरिया हो सकता है, मार्क्स हो सकता है एक क्रिटेरिया। दूसरा क्रिटेरिया जिसको कि हम कंसिडर करेंगे वो होगा कि मेरे स्टूडेंट्स को किस टाइम पे सहूलियत हो रहा पढ़ने में। कौन है जो 7 बजे पढ़ना चाह रहा है, कौन है जो 6 बजे पढ़ना चाह रहा है, कौन है जो 10 बजे पढ़ना चाह रहा है, तो टाइमिंग भी एक क्रिटेरिया होगा। या फिर हम किसी क्लास को अल्फाबेट के हिसाब से डिवाइड करते हैं। मान लो जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, ए टू एफ वाले नाम वाले जितने हैं उनको हम एक क्लास में डालते हैं, एफ टू के जो है उनको अलग क्लास में डाल दें। ऐसे अल्फाबेट्स के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। तो कुछ ना कुछ बेसिस तो होना चाहिए ना डिवीजन का, कोई ना कोई रीजन तो हमको देना पड़ेगा ना कि क्यों एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से हम क्लासिफाई किए हैं, है ना। तो यहाँ पर भी साइंटिस्ट जो एनिमल किंगडम का डिराइवेशन किए, एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किए, उनको उसके पीछे रीजंस देना पड़ा, उनको उसके पीछे क्रिटेरिया देना पड़ा कि किस क्रिटेरिया के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे क्रिटेरिया हैं। ओके, टू बिगिन विथ द फर्स्ट क्रिटेरिया इज लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नंबर वाइज लिखो, एरो देके मत लिखो, नंबर वाइज लिखो। नंबर वन में लिखो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन का बेसिस है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? सेल। सेल, तो सेल्यूलर लिख सकते हैं हम यहाँ पे, सेल्यूलर लेवल। सबसे छोटा यूनिट सेल होता है, तो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म जो होगा वो सिर्फ सेल्स का बना हो सकता है। सेल्स मिल करके क्या बनाता है? टिश्यू। टिश्यू, टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं? टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन। यस, टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम भी बनाते हैं, पर हम लोग यहाँ पे टिश्यू सिस्टम नहीं लिखेंगे। टिश्यूज मिल करके टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, और टिश्यू सिस्टम्स मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिल करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, करेक्ट। गुड, ठीक है। अब हमारे पास है बहुत सारे एनिमल्स, है ना, बहुत सारे लिविंग क्रीचर्स हैं, 1.7 मिलियन स्पीशीज हैं। ठीक है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, उसमें प्लांट्स भी आ जाता है, एनिमल्स भी आ जाता है। उसमें अराउंड 60% जो है वो हमारे पास एनिमल्स के ही स्पीशीज हैं। ठीक है, 60% जो है उसमें ऑलमोस्ट वो एनिमल्स के ही स्पीशीज है। तो अब जितने भी एनिमल्स हैं सब में एक ही जैसा बॉडी टाइप तो नहीं होता, सब में एक ही जैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं होता,
कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें सेल्स मिल करके टिश्यू बना लेता है, तो उनके पास सेल्स भी होगा टिश्यू भी होगा। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जहां पर कि टिश्यूज मिल करके ऑर्गन्स बना लेते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जहां पे प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? तो सेल्यूलर लेवल में लिखो, सेल्यूलर लेवल में लिखो, अच्छा तुम ऐसे लिख लो, सेल्यूलर लेवल पहला लिखो पॉइंट, सेल्यूलर लेवल डेफिनेशंस लिख रहे हैं सबका। सेल्यूलर लेवल में लिखो, सेल्स आर अरेंज्ड एज, सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। स्पेलिंग देख लेना, सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स एंड डिविजन ऑफ लेबर occurs among cells. इसी में एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, टिश्यूज आर एब्सेंट। Cells are arranged as loose cell aggregates and division of labor occurs among cells. Tissues are absent. ठीक है, अब देखो हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये सारे सेल्स जो हैं, कुछ क्रिटेरिया रहता है टिश्यू बनने का जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे बट आगे पढ़ेंगे 11th में। कुछ सेल्स जो हैं वो मिल करके साथ में एक जैसा ही काम करते हैं, एक जैसे लिक्विड के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं, तो वो टिश्यू बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे बॉडी का बात है, ये ह्यूमंस में ऐसा होता है, टिश्यू बन जाता है। बहुत सारे सेल्स जो हैं वो मिल करके टिश्यूज बना लेते हैं, तो इस टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सारे एक ही काम करेंगे। मान लो ये मेरा न्यूरल टिश्यू है, नर्व टिश्यू है मेरा, ये मान लो ये मेरा नर्व टिश्यू है जो हम ड्रॉ किए हैं, मान लो ये मेरा नर्व टिश्यू है, तो मेरे नर्व टिश्यू के अंदर सारे सेल्स जो हैं वो सेम काम कर रहे होंगे, या एक टिश्यू जो है वो थिंकिंग कर रहा है, दूसरा टिश्यू जो है वो रेस्पिरेशन कर रहा है, तीसरा जो है वो डाइजेशन करा रहा है, चौथा जो है वो मेरा हार्ट बीट करवा रहा है। ऐसा हो सकता है क्या कि एक टिश्यू के अंदर सेल जो है वो अलग अलग काम करे? नो मैम। एक टिश्यू के अंदर सेल्स अलग अलग काम करे, ऐसा हो सकता है? नो मैम। यस मैम। हो सकता है एक टिश्यू के अंदर, मेरे नर्व टिश्यू के अंदर एक सेल जो है वो ब्रीदिंग करा रहा है, एक सेल जो है no, वो कंट्रोल कर रहा है, ऐसा हो सकता है? नो no, मैम। कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। टिश्यूज जो है ना उसके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो सब एक ही काम करते हैं। ठीक है, जो भी काम करे वो एक ही काम करेंगे। ऐसा नहीं कि एक टिश्यू है उसके अंदर एक सेल जो है वो खाना डाइजेस्ट कर रहा है, एक सेल जो है वो ग्लूकोज बना रहा है, एक सेल जो है वो फैट डाइजेस्ट कर रहा है, एक सेल जो है वो सोच रहा है बैठ के, थिंकिंग कर रहा है, एक सेल जो है वो रेस्पिरेशन करा रहा है, एक सेल ऑक्सीजन ले रहा है, एक सेल CO2 दे रहा है, ऐसा नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, क्या होता है, एक टिश्यू के अंदर जितने सेल्स होंगे वो सब एक ही काम कर रहे होंगे। ओके, क्लियर? पर जब नर्व सेल नहीं बन, जब नर्व टिश्यू नहीं बना है,
तब तो सेल्स इंडिपेंडेंट है ना, जब नर्वस टिश्यू नहीं बना, जब टिश्यू नहीं बना है, जब टिश्यू नहीं बना है तब तो सेल्स इंडिपेंडेंट है, तब तो सेल्स को बांध के रखने वाला कोई है नहीं। मान लो कि अभी हम बायो क्लास ले रहे हैं, ठीक है, मान लो अभी हम बायो क्लास ले रहे हैं, तो हम हैं तुम्हारा, तुम लोगों के नर्व, ठीक है, ये क्लास जो है ये फॉर्म कर रहा है एक टिश्यू, ये क्लास जो है एक टिश्यू फॉर्म कर रहा है, नर्व नहीं सॉरी, ये क्लास जो है एक टिश्यू फॉर्म कर रहा है, तुम लोग हो इसके सेल्स, तुम लोग हो इसके सेल्स और ये तुम लोग मिल करके टिश्यू फॉर्म करती है, और सारा टिश्यूज क्या, सारा सेल्स जो है टिश्यू के अंदर वो क्या कर रहा है, बायो पढ़ रहा है ना, सारा सेल्स जो है टिश्यू के अंदर वो बायो पढ़ रहा है। अब मान लो कि टिश्यू नहीं है, मान लो टिश्यू नहीं है, क्लास का टाइम नहीं है, तो कोई एक बच्चा मैथ्स पढ़ रहा होगा, कोई फिजिक्स पढ़ रहा होगा, कोई केमिस्ट्री, कोई हिंदी, कोई बायो पढ़ रहा होगा, सब अपने अपने मर्जी के मालिक हो उस टाइम, तो उस टाइम तो कोई टिश्यू नहीं है तो सेल्स अपना अलग अलग काम करेगा ना, है कि नहीं, सेल्स को तो कोई बताने वाला है नहीं कि क्या करना है अभी इस टाइम पर, कि तुम लोगों को साथ मिलकर काम करना है, एक टाइम पे एक ही चीज करना है, ऐसा बताने वाला तो कोई है नहीं, तो सेल्स जो है वो अपने मन मर्जी के हिसाब से काम करेगा, है कि नहीं, बताओ। यस मैम। यस मैम। सेल्यूलर लेवल में सेल्स जो होते हैं, सेल्स आर इंडिपेंडेंट, लिखना मत, ये लिखना मत, सेल्स आर इंडिपेंडेंट, और सारे सेल को अलग अलग फंक्शन दिया हुआ रहता है। मान लो एक सेल को फंक्शन दिया हुआ है कि रेस्पिरेशन कराओ, एक सेल को फंक्शन दिया हुआ है कि डाइजेशन कराओ, कुछ सेल्स को बोल दिया गया कि तुम लोग बैठ करके सोचो सारे दिन, कुछ सेल्स को बोला गया कि तुम लोग बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करो, तो हर सेल को अलग अलग काम दिया रहता है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, डिविजन ऑफ लेबर अकर्स, डिविजन ऑफ लेबर, लेबर मतलब क्या होता है, काम करना है ना, अब जब काम को बांट दिया जाए तो उसको बोलेंगे डिविजन ऑफ लेबर, डिविजन ऑफ लेबर बोल सकते हैं ना, काम को अगर बांट दिया जाए सेल्स के बीच में कि तुम एक पर्टिकुलर सेल एक काम करोगे, दूसरा सेल जो है वो दूसरा काम करेगा, इस तरह से अगर काम को बांट दिया जाए तो इसको डिविजन ऑफ लेबर बोल सकते हैं। यस मैम। बोल सकते हैं, ठीक है, तो डिविजन ऑफ लेबर अकर्स अमंग सेल्स, सेल्स में डिविजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, सेल्स जो है उनके बीच में आपस में वो लोग काम बांट लेते हैं, ठीक है, तो सेल्यूलर लेवल में डिविजन ऑफ सेल इज सीन, ओके, यू जस्ट नीड टू राइट टिल हियर, यहां तक लिखो, इसका एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा लिखो, फाइलम पॉरीफेरा, एग्जाम्पल है फाइलम पॉरीफेरा, मैम मैम हम लोग को 11 फाइलम ही पढ़ना है, तो मैम उसमें प्रोटिस्टा आएगा? नहीं, तो मैम फर्स्ट में आप प्रोटिस्टा लिखवाए हैं, शायद उधर पॉरीफेरा होगा, हम प्रोटिस्टा लिख दिए हैं क्या? ओ ओ ओ ओ आई एम सो सॉरी, पता नहीं मैं ध्यान रहा था, इट्स पॉरीफेरा, पॉरीफेरा प्रोटिस्टा नहीं, प्रोटिस्टा तो किंगडम है, ये प्लीज करेक्ट कर लो ना, जिस किसी का भी जो भी मेरा देखकर प्रोटिस्टा लिख लिया है, एंड थैंक यू आदित्य बताने के लिए, ठीक है, पहला फाइलम जो है वो पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा, ठीक है, पॉरीफेरा, प्लीज करेक्शन कर लो सारे लोग, वो उस टाइम पे हम प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ बोल रहे थे ना, तो वो मेरे दिमाग में प्रोटिस्टा चल रहा था, तो सॉरी, पॉरीफेरा, पहला फाइलम पॉरीफेरा है, कर लिए करेक्शन? यस मैम। बाकी सभी लोग हो गया करेक्शन? यस मैम। चलो ये लिख लो, और लिखना हो जाए तो बताना फिर,
मैम डन ओके सभी का हो गया ना थोड़ा नीचे कर रहे हैं यस मैम अगला लिखो इसी में अभी हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही पढ़ रहे हैं सेल्यूलर लेवल के बाद लिखो टिश्यू लेवल सेल्यूलर लेवल के बाद लिखो टिश्यू लेवल टिश्यू लेवल टिश्यू लेवल में लिखो टिश्यू लेवल में लिखो सेल्स परफॉर्मिंग सेल्स परफॉर्मिंग सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस आर आर ऑर्गेनाइज्ड सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज अभी बताए थे ये समझाए थे अभी इस बात को कि सेल्स जो एक जैसा काम कर रहे होते हैं जो एक सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो मिल करके टिश्यू का फॉर्मेशन कर देते हैं ठीक है एक जैसे सेल्स जो एक जैसे सेल्स होते हैं जिनको सेम काम करना है वो सोचते हैं कि क्यों ना एक साथ झुंड में काम करें एक साथ ग्रुप बनाकर काम करें तो ज्यादा इजी काम हो पाएगा ज्यादा इजिली काम हो पाएगा तो सेल्स जो है जिनको एक ही जैसा काम करना है एक ही काम करना है वो सब आपस में एक झुंड बना लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू ठीक है तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसका एग्जाम्पल लिखो इसका एग्जाम्पल लिखो सिलेंट्रेटा लिखो सिलेंट्रेटा मत लिखो वैसे आपके बुक में एनसीईआरटी में सिलेंट्रेटा अभी भी है या फिर निडेरिया हो गया है वो एक बार चेक कर लेना सिलेंट्रेटा निडेरिया एक ही चीज होता है पहले मैम दोनों दिया हुआ है निडेरिया ब्रैकेट में दिया हुआ है ठीक है कुछ भी लिख सकते हो फिर सिलेंट्रेटा और निडेरिया और टीनो निडेरिया एंड टीनोफोरा टिश्यू लेवल के बाद लिखो ऑर्गन लेवल जहां पे एक जैसे टिश्यूज मिल करके ऑर्गन बना लें ठीक है एक जैसे सेल्स मिल करके टिश्यूज बनाते हैं अब एक जैसे टिश्यूज मिल करके मेरे नर्व मेरे ब्रेन के सारे टिश्यूज मिल करके ब्रेन बना दिए तो सारे टिश्यूज मिल करके न्यूरल टिश्यूज मिल करके एक ऑर्गन बना दिए ब्रेन बना दिए तो ऑर्गन लेवल पे लिखो टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर Tissues are grouped together to form organs. Tissues जो है वो एक साथ ग्रुप में प्रेजेंट होकर के क्या बनाते हैं ऑर्गन्स बनाते हैं इसका एक ही एग्जाम्पल है प्लैटीहेलमिंथस ठीक है और लास्ट लिखो ऑर्गन सिस्टम लेवल बहुत सारे सिमिलर ऑर्गन्स जब मिल करके एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर ले तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम जैसे हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं उसमें लिवर है उसमें पैनक्रियाज है उसमें स्टमक है स्मॉल इंटेस्टाइन है लार्ज इंटेस्टाइन है गॉल ब्लैडर है तो इतने सारे ऑर्गन्स मिलकर के क्या काम करवा रहे हैं एक ही काम करवा रहे हैं दैट इज डाइजेशन तो सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक काम कर रहे हैं डाइजेशन करवा रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन ठीक है तो डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल तो ऑर्गन सिस्टम लेवल में लिखो
In higher animals, organs further organize to form organ system. In higher animals, organs further organize to form organ systems. Example में आ जाएगा platyhelminthes के बाद जितना भी है, तो इसमें हो जाएगा Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, and Chordata. ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का एग्जांपल्स लिख लो. कोई डाउट है किसी का? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नो मैम. मैम, हाँ मैम, टिश्यू लेवल का एग्जांपल मैम क्या है? टिश्यू लेवल का सिलेंट्रेटा और निडेरिया लिखवाए थे ना. हाँ, निडेरिया और टिनोफोरा. निडेरिया एंड टिनोफोरा. अच्छा, आज हम लोग बस एक ही क्लासिफिकेशन का बेसिस पढ़ रहे हैं. ठीक है, अभी हम लोगों को आठ और बेसिस पढ़ना है क्लासिफिकेशन का. अभी बस हम लोग बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े हैं. अगला क्लास इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज डू नॉट ट्राई टू मिस दैट क्लास, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग सीलोम, बॉडी सिमेट्री और ये सब के बारे में बात करेंगे. तो सबसे ज्यादा जो समझने वाला पार्ट है इस चैप्टर में, वो अगले क्लास में डिस्कस होगा. तो जो लोग भी आज एब्सेंट है आपके फ्रेंड्स, उनको भी बोलना कि अगले क्लास में एब्सेंट ना हो, वरना समझ नहीं आएगा. और आप में से भी कोई ट्राई करना कि क्लास मिस ना करो. ठीक है? ओके, यस मैम. ऑलराइट, और कोई किसी को कुछ पूछना है? नो मैम. ओके देन. ओके, सो वी कीप इट टिल हियर फॉर टुडे. ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही. अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे. दैट विल बी ऑन मंडे, है ना, वेंसडे को होगा अगला क्लास आपका. ठीक है, शाम में होगा 5:15 बजे. सो आई विल सी यू देन ऑन वेंसडे. ऑलराइट, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय. थैंक यू मैम. थैंक यू.